वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलने के लिए हमारे हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बेल बटन आइकॉन पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करिए। अभी दो दिन पहले ही हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए आपको किस तरह से प्रोसेस करनी है, आपको किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसके लिए आपको कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। लेकिन उस वीडियो में हमें बेहद से छात्रों ने कमेंट किए हुए है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन की प्रोसीजर आप हमें बताएं। तो दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए यह वीडियो स्पेशली बना रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए 2018 में प्रवेशित होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए स्पेशली है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन 2018-19 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है और आपको आगे सभी प्रोसेस किस प्रकार से करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आग्रह करते हैं कि इस पोस्ट के लिंक को हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जल्दी से आप उस लिंक को कॉपी करके या फिर उस पे क्लिक करके इस पेज पे आइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीटीई महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन की पूरी जानकारी। जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते ही दिखाई देगा कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए कौन से प्रोसेस होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डीटी महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन किस प्रकार से होने वाला है। हम शॉर्टकट इसके प्रोसेस देख लेते हैं कि किस प्रकार से डीटी की वेबसाइट पर डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होने वाला है। सभी प्रकार के डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन जो भी है वह महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल इसके द्वारा आयोजित करने वाला है। सभी प्रकार के बीई बीटेक के डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन कोटा, जैसे कि कैप कोटा, माइनॉरिटी लेवल कोटा, एनआरआई एडमिशन या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पर भी अगर एडमिशन होंगे तो आपको उसके लिए भी पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, आपको आगे की प्रोसेस अनइलिजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन कहां पर ऑनलाइन करना है। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस पेज पर आए और यहां पर एक बार पूरी जानकारी को पढ़ ले, उसके बाद ही डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को आरंभ करें। तो चलिए हम शॉर्टकट में देखते हैं आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना होगा। तो जैसे ही आप डीटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस की लिंक दिखाई देगी। तो दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एडमिशन 2018-19 के डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीई बीटेक के एडमिशन के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीई बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना होगा, डायरेक्ट सेकंड ईयर बीई बीटेक की इस लिंक पर। जैसे ही आप इस लिंक पर आते हैं, आपको यहाँ पर सभी प्रकार की लिंक्स मिलेगी, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं हुआ है, मतलब अभी डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन के लिए शेड्यूल नहीं डिस्प्ले हुआ है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर ऑनलाइन शेड्यूल डिस्प्ले होता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको सामने जो प्रोसेस आएगी उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की विंडो खुलेगी और उसमें आपको जरूरी जानकारी भरनी होगी। जरूरी जानकारी में आप अपना पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स पूछी जाएंगी, उसके बाद आपको कोर्स डिटेल्स सुनने होंगे और आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे आपको ईमेल आईडी भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा। ध्यान रहे, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर बेहद ही देखकर और जरूरी जानकारी
मिलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल नंबर अगर गलत हो जाता है तो आपको ओटीपी नहीं प्राप्त होगा और आपको उसके लिए यूनिक एप्लीकेशन आईडी मिलता है जो आपके मोबाइल पर प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप आगे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यूनिक एप्लीकेशन आईडी वहां पर ही भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भी आएगी, वो भरनी होगी। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड बनाइए, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड लिखिए, फिर कैप्चा कोड दर्ज कीजिए और उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रोसेस पर आगे जाना है। उसके बाद आपको आगे जाने पर ओटीपी पूछा जाएगा। ओटीपी डालने पर आपको आपका यूनिक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। पासवर्ड आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय बना लिया होगा, अब आपको सिर्फ एप्लीकेशन आईडी की जरूरत है। तो एप्लीकेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। अब आपको आगे जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन विंडो ओपन हो जाएंगी। लॉगिन विंडो ओपन होने के बाद एप्लीकेशन आईडी दर्ज करना होगा और पासवर्ड दर्ज करना होगा। पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कैंडिडेचर टाइप ETC चुनना होगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। आपको इसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ETC डिटेल्स होनी आवश्यक है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए होने के बाद आपके ऑनलाइन आवेदन को दो कॉपी में प्रिंट करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए FC सेंटर्स पर जाना होगा। FC सेंटर्स पर जाने के बाद आपको सभी प्रकार के आपके एजुकेशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो एक्नोलेजमेंट होगी उस पर आपको सील एंड स्टैंप मिलेगा FC सेंटर्स का, जो आपके लिए ERC सेंटर्स पर ऑप्शन फॉर्म के समय आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से आपने जान लिया होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद FC सेंटर्स पर जाकर क्या करना है। अभी FC सेंटर्स पर जाकर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कर लिए है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए डिस्प्ले की जाएगी। अगर उसमें आपके कुछ डिटेल्स गलत हो गई होगी तो उसको करेक्शन करने का एक समय आपको दिया जाएगा। आप अगर कुछ गलतियां करते भी है एडमिशन फॉर्म भरते समय तो आप ग्रीवियंस के समय प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब भी डिस्प्ले होगी समय के अंदर आपको उस डिटेल्स को करेक्ट करना होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जब डिस्प्ले होगी उसके बाद बारी आती है ऑप्शन फॉर्म 1 को भरने की। तो ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है आपको, इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ऑप्शन फॉर्म 1 भरने के बाद अगर आपको कोई सीट ऑप्शन 1 में नहीं मिलती है तो आप ऑप्शन 2 में जाते हैं। ऑप्शन फॉर्म 2 में अगर नई सीट मिलती है तो आप ऑप्शन 3 में जाते हैं। सपोज आपको ऑप्शन फॉर्म 1 में ही आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको वहां पर ERC सेंटर्स पर फ्रीज करना होता है। तो दोस्तों फ्रीज करने का मतलब यह हुआ कि आपको वह कॉलेज पसंद है और आपको वहीं पर एडमिशन करना है। अगर आप एप्लीकेशन को फ्रीज कर लेते हैं तो आप कैप राउंड सेकंड के लिए नहीं जाएंगे, आप कैप राउंड सेकंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपको एडमिशन फ्रीज नहीं करना है और आपको एडमिशन को पेंडिंग रखना है तो आप फ्लॉट स्लाइड का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो एक बार आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, आपको आगे एलिजिबल नहीं पाया जाएगा। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप उसे फ्रीज कर लीजिए या फिर उसे स्लाइड भी कर सकते हैं या फ्लॉट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन फॉर्म की जानकारी को भी समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन फॉर्म में आप अपने पसंदीदा कॉलेज को चुन सकते हैं जिसे आपको सीट अलॉटमेंट के समय दिया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें अपनी पसंदीदा जो भी प्रेफरेंस होगी उससे फर्स्ट से लेकर
सही प्रकार से नंबरिंग में लेकर रखे। यह प्रोसेस होती है आपकी डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन की। अब देखते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा रहने वाला है। हर कोर्सेस के लिए सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वह होता है उम्मीदवार मूल का भारतीय निवासी होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट इंडियन नेशनलिटी से ही आना चाहिए, वह इंडियन होना आवश्यक है। तो अब दूसरी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ब्रांच में कम से कम आपको 45% अंकों के साथ में पास करना होगा। अगर आप पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन कोटा में आते हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी एससी इन कैटेगरीज में, तो आपको 40% अंक लाने आवश्यक होंगे। साथ ही में आपको उत्तीर्ण डिप्लोमा कोर्स जो कि केंद्रीय या राज्य सरकार के प्रमाणित संस्थान से या उसके समकक्ष कोर्स से आता होगा तो भी आपको इसके लिए डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए फायदा हो सकता है। अब देखते हैं इसका तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी से बीएससी डिग्री पास होना आवश्यक है या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम से कम आपको 45% अंक अर्जित करने आवश्यक है। अगर छात्र महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग से है या फिर विकलांग है तो उनके लिए 40% अंक दिए गए हैं। इसी के साथ में आपको कक्षा 12वीं से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में पास होना भी आवश्यक है। लास्ट में इसकी डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन की एलिजिबिलिटी आती है, समय समय पर जो भी स्टेट कॉमन इंटरमीडिएट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा नियम में बदलाव किए जाएंगे उन सभी नियमों को पूरा करना आपके लिए हर उम्मीदवार को आवश्यक होगा। चलिए आप देखते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी अभी डीटीए ने सबको बताया है, डीटीए ने अपलोड किया है एक बेहतरीन जबरदस्त नोटिफिकेशन जिसमें सभी छात्रों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का। अगर छात्रों के पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वह सीधे जनरल में जाएगा। अगर कास्ट वैलिडिटी का आपके पास टोकन है तो फिर आप रिजर्वेशन में आ सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पर आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो एडमिशन से कंफर्मेशन से पहले आपको कास्ट वैलिडिटी सबमिट करना होगा। अगर आप इसमें चूकते हैं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, आपका एडमिशन भी रिजर्वेशन से बाहर हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगी जो आफ्टर पासिंग डिप्लोमा होनी आवश्यक होगी। साथ ही में आपको एसएससी की मार्कशीट लगेगी, एचएससी की मार्कशीट लगेगी, डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर्स के मार्कशीट लगेंगे, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको आवश्यक होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी अन्य राज्य से 12वीं पास होकर आते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसी को आवश्यक है जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से आता होगा तो उसके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा। साथ में अगर इक्वालेंस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा तो इक्वालेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र जो कि कास्ट सर्टिफिकेट हम उसे कहते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जरूरी होगा। जाति वैधता प्रमाण पत्र जो कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कहते हैं हम, वह भी जरूरी होगा। साथ ही में रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो यह उनके लिए लागू नहीं होंगे। साथ ही में आपको इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए और लास्ट में आता है आधार कार्ड और फिर उसके बाद आता है एमएससीईटी या जीमेन एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि यह प्रोसीजर क्या होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। चलिए अब देखते हैं महाराष्ट्र डीटीई डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2018-19 के लिए डेट कौन सी रखी गई है या फिर यह कब डिस्प्ले हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभी डीटीई की वेबसाइट पर डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन 2018-19 के लिए कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित
डेट की अगर बात की जाए तो हमने अनुमानित डेट पिछले कुछ वर्ष की डेट को देखकर डिस्प्ले किया हुआ है। हो सकता है डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जुलाई 18 के सेकंड वीक में आ सकता है और वह फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 2018 तक चल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन आपको एफसी सेंटर्स पर करना होगा जो कि जुलाई 18 के सेकंड वीक से फोर्थ वीक तक जुलाई 18 तक चलने वाला है। बारी आती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने की, तो वह जुलाई 18 में थर्ड वीक में डिस्प्ले हो जाएगी और एफसी मेरिट लिस्ट ग्रीवियंस जो कि सबमिशन है आपको फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 18 से फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 18 तक ही ग्रीवियंस सबमिट करना होगा। लास्ट में आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फाइनल मेरिट लिस्ट फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 18 में पब्लिश होगा। इसके बाद बाकी ऑप्शन फॉर्म और जो भी डेट्स है वह आपको जल्दी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आपको देखना है कि इसके लिए कितने एप्लीकेशन फीस आपको चुकानी होगी। जैसा हमने अभी बताया आपको कि आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स होनी आवश्यक है तभी आप यह पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप महाराष्ट्र की रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 800 रुपए पेमेंट करना होगा। अगर आप एनआरआई चिल्ड्रन से, अगर आप ओसीआई पीआईओ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट से तो आपको 5000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डीटीए महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2018 प्रोसेस कैसे रहने वाली है, फिर भी आप इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको सबसे पहले डीटीए महाराष्ट्र के न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसा हमने आपको बताया था यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेटचर एप्लीकेशन टाइप चुनना है जो आप एबीसीडी चुन सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से निवासी है तो आप कैंडिडेटचर टाइप एप्लीकेशन टाइप में ये चुन सकते हैं। कक्षा 12वीं पर छपे जो भी नेम होगा आपका वह नेम आप नेम में टाइप कीजिए। आपकी पर्सनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन दर्ज कीजिए। एड्रेस डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो होगी वो आप एंटर करिए। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स को भरिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही से भरिए। अगर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो आपको आपके ध्यान में आता होगा वह एक पासवर्ड बनाइए जो अच्छे कॉम्बिनेशन में आता हो। सिंबल ईटीसी या फिर अंक ईटीसी इस कॉम्बिनेशन में आना आवश्यक है। जो पासवर्ड आपने पहली बार दर्ज किया है उसे कंफर्म पासवर्ड में भी लिखिए। लास्ट में कैप्चा कोड अक्षर को भरिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप फिर से एक बार यहाँ पर दर्ज करिए। दर्ज करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा। उस एप्लीकेशन आईडी को आपको आगे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद कोर्स डिटेल्स भरना है तथा स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स चुनना है और इसी के साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुल्क पेमेंट करना है। लास्ट में एप्लीकेशन को सबमिट करके उसकी दो प्रिंट लेनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक जेरोक्स कॉपी सेट अपने पास रखना है। एक फैसिलिटेशन सेंटर पे देना है और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन कर लेना है और एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना पीएफसी सेंटर्स की बेहद ही आवश्यक होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाली है। डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है ETC। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के सभी प्रकार के एजुकेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों जल्दी हम आपसे एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।